वर्चुअल आलोचन में पीएम मोदी सरप्राइज एंट्री छात्र छात्री परीक्षा आउ क्यारियर को नहीं कले आलोचना छात्र छात्री अभिभावकों द्वंद्व दूर कले ना छात्र ना अभिभावक क्या जाना नाला हठात प्रधानमंत्री मोदी सेमानों सह वर्चुअल आलोचन भाग ने प्रधानमंत्री केवल आलोचन भाग ने बर उभय छात्र आउ अभिभावकों सहित परीक्षा और पिला क्यारियर को नहीं विस्तृत भाव आलोचना कले गुरुवार अपराह्नरे केन्द्र शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित होता सीबीएसई बोर्ड एक वर्चुअल बैठक जो भाग नहीं केन्द्र शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वादश श्रेणीर किसी छात्र छात्री और अभिभावक परीक्षा बातिल प्रसंगे आलोचना चलता बेले हठात बिना सूचन से जोगदे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जहां समस्त आश्चर्य कर सर मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि इट्स लाइक जस्ट अ ड्रीम कम ट्रू। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब आपसे ऐसे मुलाकात होगी और सर आपको एक थैंक्स बोलना चाहूंगी कि आपने जो भी डिसीजन लिया वो एकदम सही लिया है क्योंकि हम 1.5 साल हो गया था हमें प्लस टू के बच्चों को कि वो की सिर्फ प्लस टू में ही थे मतलब उनकी जिंदगी रुक सी गई थी कुछ डेवलपमेंट भी नहीं हो रही थी और कुछ रिटार्डेशन भी नहीं हो रही थी तो सर जो आपने डिसीजन लिया उससे मैं बहुत खुश हूँ और से आपको थैंक्स बोलना चाहूंगी सर थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद। हाँ प्रधानमंत्री उभय छात्र छात्री एवं समान को अभिभावकों सहित आलोचना करने सहित स्थगित परीक्षा एवं से किभली समाने चिंतित से विषय कथा नकारात्मक चिंताधारा स्थान में देशर छात्र छात्री सब कष्ट एवं चैलेंज को निजर शक्ति परिवर्तन कर पारंती बोली प्रधानमंत्री कहते मेरा ये विश्वास और दृढ़ हुआ है कि भारत का युवा पॉजिटिव भी है और प्रैक्टिकल भी है नेगेटिव थॉट्स की जगह आप लोग हर डिफिकल्टी और चैलेंज को भी अपनी ताकत बना लेते हैं ये हमारे देश के युवाओं की एक विशेषता है मुझे विश्वास है कि हम सब नौजवान इस समय का मैक्सिमम सदुपयोग करेंगे इस कोरोना कालखंड में जैसे वैक्सीनेशन करना है आपके परिवार में भी कुछ लोग होंगे जो पढ़े लिखे नहीं होंगे तो उनका रजिस्ट्री वगैरह करने का काम आप कर सकते हैं अगल बगल के लोगों की रजिस्ट्री करवा करके काम करोगे और जब भी जैसे जैसे वैक्सीन आती जाएगी वैक्सीन लोगों को मिलती जाएगी तो सेवा के भाव से भी जरूर किसी न किसी काम से जुड़ी है। प्रधानमंत्री का सह आलोचना बेस आशा एवं आश्वासन देखा पिला व अभिभावक मत प्रकाश कर।